जहां एक ओर गाजा में इसराइल और हमास के बीच भयंकर युद्ध लड़ा जा रहा है, वहीं दूसरा कोना इसराइली कब्जे वाले वेस्ट बैंक की सूरत भी बिगड़ रखी है। भीषण युद्ध का सीधा असर वेस्ट बैंक पर भी साफ तौर से पड़ता दिख रहा है। जैसे जैसे गाजा में तनाव चरम पर है, वैसे वैसे वेस्ट बैंक में भी हिंसक गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया है। एक बार फिर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमले की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इजरायली बलों ने फिलिस्तीनियों को निशाना बनाकर हमला किया है। इस घटना के बाद वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी निवासी सदमे में हैं। दावा है कि वेस्ट बैंक के उत्तर के एक गांव पर हमला किया गया, जहां दर्जनों इजरायली निवासियों ने रात भर जमकर कोहराम मचाया। इस दौरान कई घरों और कारों को आग के हवाले कर दिया गया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नबल्स के लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में उत्तरी वेस्ट बैंक में जीत पर हमला हुआ। इस दौरान 23 वर्षीय एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। विवाद बढ़ता देख इजरायली सुरक्षा बलों ने बताया कि हिंसा की रिपोर्ट मिलने के कुछ ही मिनटों के भीतर उसके बलों और सीमा पुलिस अधिकारियों को गांव भेजा गया। उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने और इजरायली नागरिकों को हटाने के लिए हवा में गोलियां चलाईं। इस दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। हालांकि IDF ने फिलिस्तीनी शख्स की मौत पर फिलहाल कोई कमेंट नहीं किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में घातक हिंसा के बाद कारों और घरों को जलते हुए देखा जा सकता है। दर्जनों नकाबपोश इजरायली सेंट्रल वर्स गांव में घुसे। उन्होंने निवासियों पर गोलियां चलाई, कारों में आग लगा दी, घरों और अन्य संपत्तियों को नष्ट कर दिया। चश्मदीदों ने घटना के बारे में बताया कि हमने बाहर देखा कि 7-8 शायद 10 सेटलर्स जमकर उत्पात मचा रहे थे। 2 कारों में आग लगा दी गई थी। ये सब देखकर बच्चे और महिलाएं डर कर सहम गई थी। कारों में लगी आग को जब बुझाने की कोशिश की गई तो सेटलर्स ने उनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान पत्थरबाजी से कई जख्मी हो गए। शहर के लोग और पड़ोसी हमें बचाने के लिए आगे आए। ये देख सेटलर्स बड़ी संख्या में अपने साथ हथियार भी लहराने लगे और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। खास बात है कि ये हमला वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सेना और इजरायली सेटलर्स की हिंसा में इजाफे के बीच हुआ है। UN के एक आंकड़े की माने तो गाजा युद्ध के बाद से वेस्ट बैंक में अब तक करीब 600 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। हमास ने कहा कि यह हमला इजरायल की फासीवादी विनाश योजना का हिस्सा था। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इस हमले को संगठित राज्य आतंकवाद के रूप में निंदा की है। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए इजरायली PMO ने बताया कि PM नेतन्याहू ने आज शाम हुए दंगों को गंभीरता से लिया है। साथ ही वादा किया है कि किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाएगा और उन पर मुकदमा किया जाएगा। वहीं इजरायल के मुख्य सहयोगी अमेरिका ने भी इस घटना की निंदा की है। अमेरिका ने कहा कि फिलिस्तीनी नागरिकों पर ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। उधर फिलिस्तीनी प्राधिकरण की पूर्व प्रवक्ता नूर ओदेह ने बताया कि ऐसे हमले हर रोज होते हैं। इजरायली नेताओं की ओर से होने वाली इस निंदाओं को फिलिस्तीनी जनता की ओर से प्रदर्शनात्मक के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि जांच कहीं नहीं जाती है, किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है, किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता है। सेटलर्स अपनी सुरक्षा के लिए सरकार के पूरे समर्थन पर भरोसे करते हैं।